स्वागत है आपका एक बार फिर से मनीष टीचिंग सेंटर में। आज हम जो आपको वीडियो लेकर के आ रहे हैं, आज जो हम क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं वो है रेकरिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, खासकर रेलवे और एसएससी में, रेलवे और एसएससी की अगर जो बात कर दिया जाए, रेलवे और एसएससी में रेकरिंग से हमेशा क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन पूछ ही देता है, ज़्यादा एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है। इसलिए रेकरिंग को पढ़ करके जाना हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि रेकरिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बहुत ही ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इसमें कोई झमेला नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें लेकर चलेंगे, बस सिंपल सा लेकर के चलेंगे। रेकरिंग का पहले मतलब क्या होता है वो समझेंगे। देखिएगा सर्वप्रथम कि रेकरिंग हम किसको कहते हैं, रेकरिंग का मीनिंग क्या हुआ। तो रेकरिंग का मीनिंग हुआ आपका किसी भी संख्या का पूर्णावृत्ति जिस संख्या से होता है वहां को हम रेकरिंग कहते हैं। किसी भी संख्या का पूर्णावृत्ति, जैसे देखिएगा 0.333333333, ये बहुत लंबा दूरी तक चला गया है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लिख सकते हैं 0.3 का रेकरिंग। रेकरिंग आप इस प्रकार से भी देते हैं, या तो रेकरिंग और प्रकार से दिया जाता है रेकरिंग, या तो ऊपर आप एक वार दे करके दे सकते हैं, या तो आप ऊपर एक पॉइंट देकर भी दे सकते हैं। रेकरिंग आप दो तरह से दे सकते हैं, या तो वार देकर दे सकते हैं, या तो आप पॉइंट दे करके भी दे सकते हैं। इसका भी मतलब हुआ रेकरिंग ही हुआ, इसका भी मतलब हुआ आपका रेकरिंग ही होगा। अब कहिएगा सर रेकरिंग का प्रश्न को हमको सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, तो उसका बारे में बताते हैं कि रेकरिंग का जो प्रश्न होता है वो सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज आपको हम लेकर चलते हैं। जैसे देखिएगा हमको दे दिया है 0.3 की पावर रेकरिंग दे दिया है, 0.3 पर रेकरिंग दे दिया है, इसका मतलब हो गया इसका जो सॉल्यूशन करेंगे जितना संख्या है उस संख्या को लिख दीजिएगा, जितना संख्या है उस संख्या को आप लिख दीजिएगा, और नीचे में ऊपर जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना नाव लिखेंगे। तो कितना संख्या पर रेकरिंग है, एक संख्या पर रेकरिंग था एक नाव लिखेंगे, दो संख्या पर रेकरिंग रहता है जैसे रहता आपका 0.33 मतलब सॉरी 33 नहीं ले सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं तब तो पता लगेगा ना, रिपीटेशन 3434 इस प्रकार से होते गए अगर चला गया तब जाके इसको हम ले सकते थे मतलब ये हो जाता कितना 0.34 पे रेकरिंग कर सकते, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे 3-3 का रिपीटेशन हो रहा था 0.33333, तब जाके हम यहाँ पर लिखे थे रेकरिंग में लिखे थे 3 पर एक रेकरिंग लिखे थे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो रिपीट हो रहा है 3434 हो रहा, रिपीट हो रहा है 34 का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हम पूरे 34 पर दे देंगे रेकरिंग दे देंगे, और इसका जो सॉल्यूशन करेंगे कितना लिख देंगे 34/2×9 है, 2×9 पर दे देंगे। और देख लीजिएगा समझने की कोशिश करिए, जैसे अगर रह जाता 6436436436436 इस प्रकार से दे देता हूँ आपको, तो इसका जो सॉल्यूशन आपका हो जाता है, या तो आप इसको लिख सकते हैं 6433 का रेकरिंग लिख सकते थे, और नहीं तो इसको लिख सकते थे क्या 6433/3×3×9 दे देते हैं। अगर कटेगा तो काटिएगा, नहीं कटेगा तो नहीं काटिएगा, यहाँ पे वैसे कटेगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे कट रहा था, तो जहाँ पे कटेगा वहाँ पे काटना होगा, जहाँ पे नहीं कटेगा वहाँ पे नहीं काटिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो रेकरिंग का जो सॉल्यूशन करने का तरीका रहता है इसी प्रकार से रहता है। इसमें जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है वो भी बता देते हैं आपको, कहेगा सरल करें, निम्नलिखित को सरल करें, मतलब क्वेश्चन दे देगा उसको सरल करने के लिए, मतलब सॉल्यूशन करने के लिए, करने का मतलब ये हुआ कि हाँ उसको सॉल्यूशन करिएगा। और अभी हम लेकर चलते हैं रेकरिंग का प्रश्न, अभी तो ये आपको संक्षिप्त समझा रहे हैं, अभी प्रश्न आए नहीं हैं, प्रश्न पर अब हम आने कोशिश करते हैं।
कैसा लग रहा है, क्या है क्या नहीं है, जो जैसे देखिएगा प्रश्न में कहेगा निम्नलिखित में 0.35 रेकरिंग इतना का सरलतम रूप क्या होगा। कहेगा चाहे निम्नलिखित में इतना का मान क्या होगा, आपका ऑप्शन दे देगा जैसे 35/9 दे दिया, बी में 35/99 दे दिया, आपका सी में कितना कुछ भी दे सकते हैं, चाहे 1 दे देता, और डी में आपका देता सपोज दैट नन दे देता। नन कहने का मतलब इसमें से कोई नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर इतना क्वेश्चन दे रहा है, इतना का मान क्या होगा, अब इसे चार ऑप्शन दिया हो जाएगा, तो इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे क्या ले सकते हैं 35, और कितना नौ कितना संख्या पर है, दो को पर है तो 2 × 9 दे देंगे। बस देखिएगा 35/99 हो जाता है इसका आंसर। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको कलम भी लगेगा, कभी भी कलम तक नहीं लगने देंगे रेकरिंग वगैरह के प्रश्न के बनाने के लिए। और अगर जो आपको क्वेश्चन देता जैसे करता, अगर नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, करता 0.45 पर रेकरिंग दे दिया है, अब इसका सॉल्यूशन करता है, इसका सॉल्यूशन के लिए सपोज दैट 45 देता, दूसरा देता 45/9 देता, तीसरा में देता 5/11 देता, और चौथा में आपका देते हैं नन। इस प्रकार से अगर जो क्वेश्चन देता है, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, आप 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। चलिए मुझे आशा होगा कि आपने इस प्रश्न को बना लिया होगा, अगर जिनसे नहीं बना है तो देख लीजिए क्या करते हैं। 45/2 संख्या पर देख रही है तो 2 × 9 देते हैं, अब देखिए 9 से कट रहा था, 9 × 45 9 × 99 मतलब 5/11 आपका आंसर क्या हो जाता, सी आपका आंसर हो जाता। इस प्रकार से ही क्वेश्चन अभी और आपका आसान की तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन लेकर चले थे, इस पर भी टिपैड क्वेश्चन भी लेकर चलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेकर चलेंगे, मिटा देते हैं फिलहाल। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कुछ कमियां हैं जिसको बताइए जहाँ से ये कमी आपका है। अब क्वेश्चन आपको और कैसे पूछता है जो बताते हैं। कहेगा निम्नलिखित का मान क्या होगा, निम्नलिखित का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। इस प्रकार से देने के बाद आपका नीचे देता क्वेश्चन दे देगा, कह देगा 0.4 + 0.8 - 0.5। अब यहाँ पे कितना लोग क्या करिएगा कि 8 और 4 = 12 जोड़ दीजिएगा, 5 घटा दीजिएगा, तो ऐसा नहीं करिएगा, इस प्रकार से करिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। सीधा क्या करेंगे 4/9 + 8/9 और -5/9। यहाँ पे तो आ जाएगा क्योंकि आपका डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ जा रहा है, क्योंकि 8 + 4 = 12 में से 5 चल जाएगा तो 7 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर तो आ जाता, लेकिन अगर जो डबल डिजिट में ही रह जाता तब जाके आपका आंसर गलत हो जाता। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 9, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 5, तो 8 + 4 = 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7/9, देख लीजिएगा 8 + 4 = 12 में से 5 जाएगा 7/9 आपका यही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए मेरा कहने का मतलब क्या हुआ था कि हाँ कैसे सिंगल डिजिट में आपका गलत हो जाता है, तो देखिएगा देखिएगा कैसे जो मेरा कहने का मतलब हुआ कि गलत हो जाएगा। जैसे आपका अगर जो देता 0.6 + 0.98 -0.2 देता, तो यहाँ पर देखिएगा 8 × 6 = 14 में से 2 चल जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो फिर 12/99 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ 6/9 आएगा, 8/9 आएगा,
-2/9 आएगा, ये ध्यान रखना था, क्योंकि 8 और 6 प्लस प्लस बुला के जोड़ देते हैं और माइनस बुला के घटा देते हैं। तो देख लीजिएगा 8 और 6 14 में 2 4 12, तो 12 पर रेख लिख देते फिर सीधे हो जाता 12/99 हो जाता, क्योंकि दो संख्या पर रेकरिंग का मतलब 99 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल पे ही रेकरिंग रहेगा। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन करने के लिए 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो 8 6 14 में से 2 गया तो कितना बचेगा 12/9 हो जाएगा, मतलब 3 चौका 12 3 3 9 बराबर 1 पूर्णांक 1/3 इस प्रकार से आ जाएगा। जबकि उस प्रकार से देख रहे थे 12/99 होगा तो गलत हो जाता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से करना होगा काम। एग्जामिनेशन हॉल में जितना फास्ट बनाना है उससे ज़्यादा एक्यूरेट भी बनाना है, क्योंकि गलतियाँ जो होगा आपको नंबर ज़्यादा लेकर चला जाएगा। देखिएगा दो इंसान होते हैं, एक इंसान बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर लेता है और एक इंसान होते हैं थोड़ा कम क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाला को रिजल्ट नहीं होता, लेकिन कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाला को रिजल्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से कैसे होगा। चलिए ये तो हो रहा था टाइप 1 पे था क्वेश्चन, अब आपको हम टाइप 2 पे क्वेश्चन लेकर चलते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन जो कैसा होता है वो अभी लेकर चलते हैं, शायद मेरे पास होगा तो उसी से बता देंगे, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन है टाइप 2 का, जो क्वेश्चन है कहता है 0.41 सिर्फ सिंगल पर इतना को साधारण भिन्न में बदले, यही दे रखा था ना 0.41 को साधारण भिन्न में बदले। तो देख लीजिएगा इसको बनाने का तरीका ये नहीं होगा, 41/99 इसका आंसर गलत होगा, 41/99 इसका आंसर गलत होगा, लेकिन आपका मोबाइल में जो दिया हुआ ऑप्शन आपका 41/99 भी दिया हुआ है। तो इसका पहले बनाने के पहले देख लीजिएगा, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर 0.122 पर रेकरिंग दिया हुआ है तो कैसे क्या करेंगे जो बताते हैं। x y - x / y के लिए 1 और 9 और जितना संख्या पर नहीं है उतना 0 दे देंगे। देखिएगा पूरी संख्या लिख लीजिए माइनस उस संख्या को लिखेंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है बटा में, एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 और 9 दे देंगे, 1 पर नहीं है तो 0 दे देंगे। देखिएगा इसको बनाने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। पूरी संख्या कितना हो जाएगा 41 हो गया, माइनस का चिन्ह देंगे माइनस दे देंगे, 4 पर रेकरिंग नहीं है 4 दे देंगे, कितना संख्या पर रेकरिंग है सिर्फ एक संख्या पर रेकरिंग है, ये के लिए कितना 9 दे देंगे 1 और 9 देंगे। अब कितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो 1 पर नहीं है मतलब 90 हो जाएगा, तो 41 में 4 का जाएगा तो कितना बचेगा 37/90 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना था, कितना लोग 41/99 सीधा मार करके चले आते तो आंसर वो तो सोचते हैं कि मेरा आंसर सही है, तय नहीं ऐसा बात नहीं है, अगर चावल मिला है तो उससे कोकर में बनाइए ना कि उसको ताई से बनाइएगा, ये वही वाला प्रश्न आ जाता है। आगे देखते हैं अभी और भी प्रश्न इस पे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये SSC का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, SSC में पूछा हुआ था क्वेश्चन था। कहेगा 0.6532 इतना 0.6532 3-2 पे रेकरिंग है को साधारण भिन्न में बदलें। आप वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए और इसको बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए मुझे आशा होगा कि आपने वीडियो को रोक करके जरूर बना लिए होंगे, क्योंकि आप लोग आज के देश का होनहार व्यक्ति हैं, जो भी मेरे चैनल पे हैं वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति लोग हैं, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में सीखते हैं। तो आज इसको फिर हम सॉल्यूशन करते हैं, कितना देखिएगा पूरी संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो सबसे पहले पूरा संख्या लिख लेंगे 6532, पूरी संख्या पर रेकरिंग नहीं था सबसे पहले 6532 लिख दिए, माइनस उस संख्या को लिखेंगे जितना पर रेकरिंग नहीं है, कितना पर रेकरिंग नहीं है 65 पर नहीं है, बटा में जय संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 दे देंगे, जय संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 दे देंगे, कई संख्या पर
एक एक दो गो पर नौ है, दो गो पर है तो दो ठो नौ दे देंगे, दो गो पर नहीं है तो उसके लिए क्या दे देंगे, दो ठो जीरो दे देंगे। अब यहाँ पर 6532 में से 65 घटा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 12 में से 5 या कितना हो जाएगा 7, 12 में 6 गया तो 6 यहाँ हो जाएगा 64 बटा कितना 99 00 10 10 16 7 23 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो सीधे आंसर मार दीजिएगा, यही आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को भी ध्यान में रख करके बनाना होगा, ये नहीं कि नहीं, अगर इस प्रश्न को नहीं ध्यान में रखिएगा तो आपके साथ बहुत ही परेशानियां आ जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परेशानियां आवे। देख लेते हैं और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसको बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ चलिए, अच्छा प्रश्न हमको मिल गया है, इसी तरीके का प्रश्न को हम बता दिए हैं पहले से ही, तो इसके लिए उतना टेंशन नहीं लेते हैं। देखिए एक प्रश्न हमको मिला है, 0.6 पर रेकरिंग प्लस 0.7 पर रेकरिंग प्लस 0.8 पर रेकरिंग प्लस 0.3 पर रेकरिंग, ये मिला हुआ है, इसको आप बनाने की कोशिश करिएगा, बस 5 सेकंड में आप बन जाएगा, बनाने की कोशिश करिए, जरूर आपसे बनेगा। देखिएगा कितना लिख देंगे, 6/9 प्लस 7/9 लिख देंगे प्लस 8/9 लिख देंगे प्लस 3/9 लिख देंगे, 6/9 लिख देंगे, 7/9 8/9 3/9 लिख दिए, बस इसका हल कर दीजिए 9, तो कितना आ जाएगा 6 + 7 + 8 + 3 जोर से लिखिए कि क्या आ रहा है, कितना आ जाता है 7 × 6 = 13, 7 × 6 हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 × 8 हो गया 21, देखिएगा 8 × 3 = 11, 11 × 7 = 18, 18 × 6 = 24, 24/9 हो जाएगा, उतनी आ रहा है 7 × 6 = 13, 13 × 8 = 24, 24/9 तीन से काट दिए, 3 × 9 और 3 × 8 = 24, बस इतना आ जाएगा। तो इसका जो आपका आएगा कितना आ जाएगा 2.666666, इस प्रकार से चला जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2.6 पर रेकरिंग, आपका ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में लगभग पूछता है, तो ये सब प्रश्न को आप जरूर ध्यान रखिएगा। रेकरिंग के प्रश्न में आज हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतना से ज़्यादा आपका एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न नहीं पूछता है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर इस चैनल को कर लीजिएगा। एक ही और आपको हम बता देते हैं, बहुत ही दुखद समाचार है भारत के लिए, भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया के लिए बहुत ही दुखद समाचार है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जंग छिड़ चुका है, जो आपको भी पता है। तो इस चीज़ इस जंग से मुझे खुशियां नहीं हैं बल्कि मुझे गम है, क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए छात्रों का देहांत हुआ है कल के डेट में, एक व्यक्ति ऐसे भी मरे हैं, एक व्यक्ति का ऐसा भी कत्ल किया गया है जो मेरा छात्र रह चुके हैं। तो आज अंदर आत्मा से रियल बता रहे हैं आपको, हमको पढ़ाने का दिल नहीं था लेकिन फिर भी चलिए कुछ नहीं तो आपको पढ़ा दिए, क्योंकि जो जाना था वो तो चले गए, पर गम है मुझे, लेकिन हाँ इतना तो ज़रूर है
कि उन्होंने शहीद भी हुए हैं, तो देश के हिफाजत के लिए शहीद हुए हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। और मैं यही देश से चाहता हूँ, चीन से भी यही चीज़ चाह रहे हैं, भारत से भी यही चीज़ चाह रहे हैं कि दोनों देश मिल करके बात कर करके इसमें सुलझा लिया जाए मैटर, तो सही रहेगा। नहीं तो फिर तो जानते ही हैं, अगर आपके पास ईंट है तो मेरे पास पत्थर है, क्योंकि ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये बकसने वाले नहीं हैं, ये जवाब देने वाले हैं। तो आपको चलिए, वहाँ तो खैर एक दुखद समाचार था, लेकिन फिर भी आज हम आपको क्लास ले लिए हैं रेकरिंग का, छोटा सा टॉपिक लेकर चले थे, ज़्यादा टॉपिक हम नहीं लेकर बना चाह रहे थे, क्योंकि हमको पता था अंदर से टूटे हुए थे, अंदर से इतना कुछ खास ज़्यादा क्लास लेने का मन था नहीं। चलिए, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।